हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो VBI प्रश्न होगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछला वीडियो में हम साथियों एक दो वीडियो ही बनाए थे मैथ में, और अधिकतर प्रश्न लगभग 35-35 क्वेश्चन उसी वीडियो के अंदर से पूछा गया था। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी r तथा वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के दो गुना होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर आर बराबर जो होता है 2f, या फिर f बराबर r बटे 2, ठीक है। तो इसमें से देखिए, इसका सही मैच हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आपका सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। कितना होगा, दो होगा। अब बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है, हमेशा काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। वाहन के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप सभी जानते हैं जिसको साइड मिरर भी कहते हैं, आप बाइक रूप में जो लगा हुआ होता है पीछे देखने के लिए, उस मिरर को क्या कहते हैं, उस दर्पण को क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। दिया हुआ है क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इजी प्रश्न है और आप सभी रट गए होंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है साथियों, तो सीधा उल्टा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दें कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, याद रखिएगा। और सभी प्रश्न साथियों VBI है, अगर आप सभी प्रश्न को अंत तक देखते हैं, जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, तो आप अधिकतर प्रश्न इसी तरीके से और इसी सेट से आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए कि सातवां नंबर की एफ का मान 12 सेंटीमीटर है, तो आर का मान क्या होगा, एफ बराबर 12 है तो आर बराबर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि एफ जो होता है, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। एक बार क्लियर कर देते हैं इसको, अब थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है, हाँ ब्रश ऑन कर लेते हैं। चलिए अब क्लियर करते हैं, देखिए दिया हुआ है कि आर बराबर होता है 2f, तो यहाँ पे 2 × f बराबर 12 है, कितना हो जाएगा, 12 × 24 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आइए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वाहन के अग्रदीप में कौन सा दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो अवतल लेंस समझिएगा, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा किस तरह का होता है, तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस की बात नहीं हो रही, अवतल लेंस, तो वो आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे आइए, क्वेश्चन 10 को देखिए कि डायोप्टर मात्रक है, तो डायोप्टर मात्रक है, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो डायोप्टर जो होता है लेंस शक्ति का मात्रक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा, तो 2D क्षमता वाले लेंस के, देखिए यहाँ पे 2D हो सकता है, +2D, -2D, +5D, -5D, ये चार प्रश्न में से एक फिक्स हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस जगह पे +2D हो सकता, +2D दिया हुआ, -2D हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है +5D या -5D, ये चार प्रश्न में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब 2D हुआ हो और यहाँ प्लस में हो, तो क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, कितना होगा आपका, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। आप इसके लिए एक वीडियो बनाएं, वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, कैसे डी निकालते हैं, मतलब कि फोकसांतर कैसे निकालते हैं जब क्षमता दिया हुआ होता है। तो आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आँख के रंगीन भाग को हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं आयरिस, ठीक है, आयरिस कहते हैं, पुतली और परितारिका, ये दोनों कहता है, आयरिस या परितारिका माने दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया हुआ है, दोनों सही हो जाएगा, ये और डी होगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है,
कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, दृष्टि पटल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, देखिए यहाँ पे एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जा रहा है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बट जाएगा उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। देखिए संतुलित होना चाहिए, तो संतुलित को सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि संतुलित है या नहीं है। ठीक है, चलिए जूमिंग कर दिए। देखिए इधर 2N है, एरो के इस साइड 2N है, इधर 1N है, ये तो नहीं हुआ, ख़त्म हो गया सर। इधर 4L है, इधर भी 2×4L है। चलिए बहुत अच्छा सर, 2×4 ऑक्सीजन और 3×6 ऑक्सीजन, ये भी गलत हो गया आपका। इसमें देखिए 2 Cu इधर 1 Cu, ये भी गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होना चाहिए। देखिए इधर 1 Zn, 1 Zn, 1 Cu, 1 Cu, 1S, 1S और इधर 4 O, इधर 4 O, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक प्रश्न सबसे इजी प्रश्न है, ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। बताना आपको उपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसमें से एक कौन सही होगा, फटाफट आप सभी बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। देखिए ध्यान से, दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के प्रजनन को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार के प्रजनन को दिखा रहा है, तो यहाँ पे विखंडन या द्विखंडन। तो देखिए एक था वो मतलब कि दो में खंडन हो गया, ठीक है, ये फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं द्विखंडन। ठीक है, या फिर पुनरुद्भवन, कौन सा होगा फटाफट आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन या पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में आपका सही हो जाएगा, इस जगह पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ पुनरुद्भवन, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए पवन की चाल जो है, ये साथियों बहुत बार टेस्ट हम लिए हैं, उसमें बताया गया है आप सभी को कि कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन समताप्य ऊर्जा स्रोत है, जो समाप्त होने वाली ऊर्जा स्रोत है, सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो साथियों बता दें कि देखिए समाप्त होने वाला ऊर्जा जो है वो कोयला ही है, जो समाप्त की ओर बढ़ रहा है, प्राग कोष में होता है। प्राग कोष में क्या होता है वो बताइए फटाफट। यहाँ पे दिया हुआ है बृहदार अंडाशय और यहाँ पे दिया हुआ अंडा पर प्रागकण। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि प्राग कोष में होता है, कहाँ होता है, प्राग कोष में क्या होता है, बृहदल होता है, अंडाशय होता है, अंडप होता है या प्रागकण होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते, फिर देखेंगे VVI प्रश्न। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं, जय हिंद।